तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इफ द रिजल्टेंट इज वर्टिकल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिया हुआ है जिसमें तीन फोर्सेस दिए हुए हैं, जिसमें दो फोर्सेस का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है विथ हॉरिजॉन्टल वो है अल्फा। उस अल्फा को हमें फाइंड आउट करना है, एंड उसी के साथ हमें एक कंडीशन दिया हुआ है जो कि है रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेज इज वर्टिकल। तो इन तीनों फोर्सेज का जो वर्टिकल होने वाला है वो वर्टिकल है, सॉरी, तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो वर्टिकल है। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि रिजल्टेंट वर्टिकल है, तो हम सबसे पहले इसका FBD निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें रिजल्टेंट वर्टिकल गिवन है, तो वर्टिकल मैंने दिखाए हुए हैं, बाकी सब एंगल्स एंड जो हमारे फोर्सेस थे वो एज इट इज रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन तीनों फोर्सेस को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर लेते हैं। हमारा जो रिजल्टेंट है वो अगर वर्टिकल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन FX इक्वल टू 0 है एंड समेशन FY इज इक्वल टू रिजल्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन FX स्क्वायर प्लस समेशन FY स्क्वायर। तो अगर हमारा समेशन FX 0 है तो समेशन FY अल्टीमेटली इक्वल्स टू R आने वाला है, ठीक है। तो हम इस वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे, तो समेशन FY इज इक्वल टू रिजल्टेंट R, ओके। नाउ समेशन FY में देखिए दोस्तों, समेशन FY में हमें सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स की एडिशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे एंड डाउनवर्ड आने वाले फोर्सेस को हम निगेटिव ट्रीट करेंगे। सो वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले ये वाला फोर्स, सो इसकी वैल्यू होगी 620 साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। सो 620 साइन ऑफ अल्फा फर्स्ट फोर्स हो गया। सेकंड फोर्स ना, अभी देखिए ये वाला फोर्स, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर जा रहा है, सो पॉजिटिव। इसकी वैल्यू होगी 270 साइन ऑफ 35 प्लस अल्फा, टोटल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। सो टोटल एंगल होगा 35 प्लस अल्फा। सो इसको हम लिखेंगे 270 साइन ऑफ 35 प्लस अल्फा, सो 35 डिग्री प्लस अल्फा, ये फोर्स हो गया। ना अभी ये वाला फोर्स, इसका जो वर्टिकल फोर्स होने वाला है वो पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू होगी 710 एंड इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। सो इसको हम 710 साइन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हमारा जो रिजल्टेंट है आर, ओके। नाउ सेकंड हमारी कंडीशंस थी समेशन FX इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन। तो इसका यूज़ करके अभी देखें, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। नाउ इसमें भी टूवर्ड्स राइट जाने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड लेफ्ट जाने वाले फोर्सेस को हम निगेटिव ट्रीट करेंगे। सो सबसे पहले ये वाला फोर्स देखिए, 620 कॉस ऑफ अल्फा टूवर्ड्स राइट है, सो पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स होगा 270 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी राइट की तरफ जा रहा है, सो पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। सो पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी 270 कॉस ऑफ, टोटल एंगल होगा 35 डिग्री प्लस अल्फा, सो 35 डिग्री प्लस अल्फा हो गया। नाउ ये वाला, अभी के ये देखिए, जो 710 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सो हमें इसे निगेटिव लेना पड़ेगा। देन इसकी वैल्यू होगी 710 कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अभी देखिए, -710 कॉस अल्फा एंड +620 कॉस अल्फा, अगर इसकी अल्जेब्रिक सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -90 कॉस अल्फा प्लस ये वाला एज इट इज़ 270 कॉस ऑफ 35 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं, सो ये बन जाएगा 270। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस ऑफ ए प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी। तो सिंपली मैंने कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर दोस्तों, एंड 90 कॉस अल्फा को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, सो पॉजिटिव हो जाएगा 90 कॉस अल्फा, ओके। 270 को हम इस तरफ लेके आते हैं, सो कॉस ऑफ 35 ना, इसमें देखिए दोस्तों, अब हम कॉस की टर्म्स को इस तरफ लेके जाते हैं, सो इसमें बचेगा साइन ऑफ 35 साइन अल्फा इक्वल टू 90/270 1/3, एंड ये वाली टर्म यहाँ पर रह जाएगी तो माइनस हो जाएगी, सो कॉस 35 कॉस अल्फा। नाउ इसमें देखिए दोस्तों, अभी हम कॉस अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं, सो यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फा एंड यहाँ पर बचेगा -sin 35 साइन अल्फा, ओके। नाउ अभी देखिए, इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो 1/3
माइनस कॉस 35, तो इसका आंसर आएगा कॉस अल्फा इंटू माइनस 0.4858, ओके, एंड माइनस साइन 35 साइन अल्फा एज इट इज़। तो अभी देखिए इसमें तुम दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा को यहाँ पर लेके आएंगे एंड इस वाली टर्म को माइनस साइन 35 से इसको डिवाइड कर लेंगे। सो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इसको यहाँ पर लेके आए इज इक्वल टू माइनस 0.4858 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पॉइंट है, डिवाइडेड बाई माइनस साइन 35। ओके नाउ इसमें अभी देखिए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, 0.8469, माइनस माइनस गेट्स पॉजिटिव। सो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अगर हम करेंगे 0.8469, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अल्फा इज इक्वल टू 40.26, तो अप्रोक्सीमेटली हम 40.3 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों हमें अल्फा की वैल्यू पता है, सो अभी हम सिंपली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों, इसमें अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम सिंपली आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए टू साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू 40.3, इस इक्वेशन का यूज़ करें दोस्तों हम, ओके, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आर प्लस 270 साइन ऑफ नाउ 35 डिग्री प्लस 40.3 ये हो जाएगा 75.26 डिग्री प्लस 710 साइन ऑफ 40.3 डिग्री इज इक्वल टू आर। ओके तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 121.34 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंपली समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आर एंड समेशन एफ एक्स का यूज़ करके हमने अल्फा एंड रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।